मेरा नाम गोविंद पटेल है और आप देख रहे हैं एग्री न्यूज हिंदी। हाल ही के समय में आपने एक खबर सुना था कि इक्को ने जो एक पत्र जारी किया था जिसमें कहा था कि उसने जो डीएपी की कीमत जो 1200 है उसको 1900 रुपए करने वाली है। इससे जो है किसानों में हड़कंप मच गया था, क्योंकि सीधी बात है जिस लेवल से इन्होंने रेट को अचानक से बढ़ाया था इससे किसानों की कमर टूटने ही वाली थी। और हाल ही में कोरोना और डीजल की जो कीमत है वो तो ऑलरेडी किसान की कमर तोड़ के रखा है। लेकिन उसी को जो है ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने जो है शुक्रवार को ये जो फर्टिलाइजर कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि ये जो है फर्टिलाइजर की कीमत को नहीं बढ़ा सकते। गुरुवार को जो है हाई लेवल की एक मीटिंग हुई थी जिसमें से रासायनिक और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि ये जो हमने जो है कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि ये जो है अभी इस वाले सीजन में जो है ये जो डीएपी या फिर डीएपी हुआ एनपीके हुआ ये जितने भी उन्होंने लिस्ट जारी किया था, कहा कि 2020-21 तक भी जो ये जो फास्फोरस और पोटास में जो मतलब कि सब्सिडी है वो अभी जारी रहेगी। तो कुल मिला के सार ये है कि अभी जो 2020-21 जो अभी चल रहा है ये वाले टाइम पे जो है अभी जो है उर्वरक के खाद जो कीमत थे डीएपी की जो कीमत थी वो बढ़ने वाले थे, वो अभी नहीं बढ़ेंगे। आने वाले टाइम पे सरकार ने भी इसमें कुछ नहीं कहा है, कंपनियां भी क्या पता क्या करने वाली हैं। आने वाले टाइम में फिलहाल बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। ये वाले जो टाइम है अभी जो है डीएपी की जो कीमत है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, आपको 1200 रुपये में 50 केजी की बोरी जो है अब भी मिलने वाले हैं। ये वाली खबर काफ़ी राहत भरी है तो सोचा मैं आपको इसको जाहिर किया। तो फिलहाल आज की जो न्यूज़ वाले वीडियो में बस इतना ही। खेतीबाड़ी से संबंधित न्यूज़ जानने के लिए ये वाले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।